ભાઈ ભાઈ તમે ગુજરાતમાં છો, ગુજરાતીઓના ગુજરાતમાં છો, તો અમે તમને દિલથી બતાવશું, વડથી બતાવશું કે અમારી થાળીમાં શું છે. ભાઈ ભાઈ તમે ગુજરાતમાં છો, ગુજરાતીઓના ગુજરાતમાં છો, તો અમે તમને દિલથી બતાવશું, વડથી બતાવશું કે અમારી થાળીમાં શું છે. वाओ, ये सवाल मैं खुद तब से सोच रहा हूँ. कृष्ण भगवान को ये नहीं पता कि नीचे आने के बाद इतना सारा खाने को मिलता है, पर जो भी मिल रहा है दिखने में बड़ा टेस्टी है. मुझे नहीं पता एग्जैक्टली नाम क्या है, बट आलू की सब्जी है, सम मटर की सब्जी है, सम पकौड़ा जैसा है, कढ़ी है, दाल है, रोटी है, और भगवान जाने क्या क्या है. इसे हम नाम दे सकते हैं भयानक थाली. आपने कहा भगवान जाने क्या ही है, आपको तो पता होना चाहिए ये. फिर तो वही तो आयरनी है, दैट्स द आयरनी. आप बता दो, मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूं खाली. ओके, इतना कुछ आया कि बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ा. अच्छा, मुझे भी फोटो भेजना होगा. वाला लिया क्या फोटो? ब्रेक लेके कोई घूम रहा फिर रहा है, फिर वापस खाना खाने जाएगा, बिकॉज़ बहुत सारा वैरायटी है. हां, लाइट दे दो मुझे. बहुत बहुत अच्छा कि आपने, आप सही बंदे के पास आए हो. अब मैं आपको बताता हूं कि गुजरात में गुजराती थाली में क्या क्या खा रहे हो. सबसे पहले शुरू करते हैं, आज है शेरडी और रस, यानी गन्ने का जूस. ओके, उसके बाद हमें मिला है यहाँ पे हांडवा, जो बहुत ही डिलिशियस होता है, क्रिस्पी होता है. और सब्जी में यहाँ पे हमारे पास आलू की सब्जी, फ्रेंच बीन्स की सब्जी, सूखी भाजी, दिस इज स्वीट पोटैटो का सब्जी, ये है बाजरीनो रोटलो, ये है दाल, ये है गुजराती कढ़ी, यहाँ पे है पूरी, यहाँ पे हमारे पास केसर जलेबी. ये मैं आपको कुछ नया दिखाने वाला हूँ, ये मैं भी शौक में हूँ ये देख के कि ये ऐसे दुनिया में और गुजरात में एग्जिस्ट करता है, और गुजरात में ये सब कलर्स, ये सब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आपको मिली जाएंगी. तो ये है वसाबी एवोकाडो दही पूरी. आप समझ रहे हो, मतलब यूएस से लेके गुजरात तक सारा स्वाद आपको एक पूरी में मिल रहा है. मथुरा, मथुरा भी, मथुरा. हाँ जी, हाँ जी, सारे तो मतलब मथुरा वृंदावन सब. यस, इससे पहले कि कोई ये समझे कि मैं फूड रिव्यू करने आप फूड रिव्यू नहीं कर रहे हैं, बट आप फूडियों के बीच में आ चुके हैं. हाँ जी, कौन सा शो आपका आने वाला? देखिए, हमारा शो आ रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात 29 जुलाई को कलर्स गुजराती पे, मंडे टू संडे रात को 8 बजे. तो ये जितने स्वाद आपको ये हमारी थाली में दिख रहे हैं, उतना ही स्वाद, उससे डबल स्वाद आपको हमारे शो में मिलेगा. तो शो को मिस मत करना. अभी हम अपना खाना मिस कर रहे हैं, बट आप हमारा शो मिस मत करना प्लीज. प्रभु ये बात कर रहा था ना, तो मैं नहीं वो कर लो, कर लो, मैं कुछ और. अरे नहीं, बात नहीं बोलते, वो एक माइक में, वो देख ऑडियो है, वैसे भी जाने वाला है. अरे नहीं, वो बात कर रहा था और मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, तो मुझे वो एक रील याद आ गई कि जिसमें कोई बात कर रहा है, और इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं बोलना है इसमें. ये हमेशा ऐसे फंसती है. ये ना वो वाली रील है, आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं. थैंक यू. अरे क्या जोक था वो. प्रभु आप ही कुछ ज्ञान दीजिए. किस बारे में? खाने के बारे में? नहीं, रील के बारे में. या प्रभु तो ऊपर से आए हैं, प्रभु को नहीं पता यहाँ नीचे धरती पर क्या हो रहा है, कौन सी रील बन रही है, क्या बन रही है. वो को अपना श्याम धुन लागी रही है, जो हमारे शो का नाम है, उसके बारे में पता है. जी, तो नरसिंह मेहता एक बहुत ही विख्यात व्यक्तित्व हैं गुजराती लिटरेचर के. उनके ऊपर शो आ रहा है, और ऐसी मान्यता है कि उन्हें कृष्ण भगवान ने 52 टाइम्स दर्शन दिए थे. तो मैं कृष्ण भगवान प्ले कर रहा हूँ, परेश जो है वो नरसिंह मेहता बने, और हमारा शो आ रहा है कलर्स गुजराती पे 29 जुलाई से. संस्कृति प्ले कर रही हूँ, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात में मैं जैसे नाम इतना अलग है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मैं आती हूँ द्वारका, अपने रूट्स ढूंढने के लिए अपनी नानी से मिलती हूँ. नानी के घर पे रहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी ननिहाल से कभी मिली नहीं हूँ. और मेरे ननिहाल की और मेरी मम्मी के बीच में प्रॉब्लम है, टेंशन है, तो उनकी वजह से मैं कभी मिल नहीं पाई. लेकिन अब माँ की ख्वाहिश है मुझे उनको नानी से मिलवाना है, तो वो ये तो सब कहानी में आप देखेंगे. लेकिन एक NRI लड़की किस तरह से गुजरात आती है, द्वारका आती है, जो वो हमेशा से आना चाहती थी, मतलब बचपन से उसका ड्रीम था द्वारका आना, एंड फाइनली शी इज़ हियर.
वहाँ पर उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मिलता है केशव, जो राज अनरकत प्ले कर रहे हैं, और हम किस तरह से वो मेरी हेल्प करता है, वो हर तरह से मेरे लिए गाइड है, चाहे द्वारका घुमाना हो अपनी बाइक पे या फिर मेरे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके सोल्यूशन लेकर आना हो। मेरे लिए एक बहुत अलग कैरेक्टर है प्ले करने के लिए, आप मुझे एक बहुत अलग रूप में देखेंगे एंड बहुत प्यारा शो है, तो आप जरूर देखिएगा। मुझे पता है गुजराती में, तो नॉन गुजराती ऑडियंस के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि मैं भी नहीं हूँ यार गुजराती, पर मुझे समझ में सब आ रही है, आपको भी समझ में आ जाएगा, तो देखना बस समझ में आ ही जाएगी आपको, और आप जरूर देखना, क्योंकि अगर मैं समझ सकती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत आसानी से समझेंगे। जी मैं फूडी हूँ, यस आई एम अ फूडी। मुझे खाने में सब कुछ पसंद है, मतलब कुछ भी अच्छा सा टेस्टी सा बन जाए तो अच्छा ही लगता है खाने। यस बट मुझे ना दाल चावल बहुत पसंद है, और दाल चावल की कॉम्बिनेशन में कुछ ज़रूर होना चाहिए, सिर्फ दाल चावल नहीं खा सकती, मतलब उसके साथ या तो आलू की सब्ज़ी हो या ऐसे कुछ अच्छा सा कुछ हो, सब्जी कोई भी हो, तो या आप लोगों से जरूर मिलेंगे हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी। ऑलराइट प्रभु, आपको माखन मलाई के अलावा खाने में क्या पसंद है? तो मैं मारवाड़ी बंदा हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मुझे गट्टे की सब्जी बहुत पसंद है, मुझे दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है। मैं यहाँ एक्चुअली वही ऑर्डर करने वाला था, पर सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, तो फाइनली मैं ये सब खा रहा हूँ। No. Nachos and cheese. Gujarati. जय श्री कृष्ण। भक्त से भी बात कर लेंगे। मैं एक्चुअली ज्यादा फूडी हूँ ही नहीं, तो जो भी आ जाए खा लेते हैं ईश्वर की कृपा समझ के। अभी यहाँ क्या क्या इंजॉय नहीं करूँ मैं, मेरे लिए ये सवाल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आइटम है, इतना ज़्यादा खाना है, मैं थोड़ा चखूँ तो भी ओवर ईटिंग हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब दो तीन सब्जी, चार पांच सब्जी, इतना और मैंने थोड़ा ही लिया और ख़त्म किया। खिचड़ी बहुत अच्छी है ये सब्जी, और पानी पूरी स्वीट बहुत अच्छा था, तो बस मैं थोड़ा करके बस चख रहा हूँ सब कुछ। सीरियल तड़के, हाँ मैं वही सोच रहा, मैं एक्चुअली शो के लिए मैंने मतलब डाइट, दो महीने से मैं डाइट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये आज एक दिन जो मैं चीट डे का मेरा है उसमें पूरे दो महीने की मेरी मेहनत पे पानी फिर जाने वाला है। इतना बस सीरियल में चल रहा है, आप लोग देखेंगे तो मजा आएगा। 29 तारीख से देखेगा, 29 जुलाई से श्याम लोग लगे रहे कलर से गुजराती पे। हाँ जी, आज हमने थाली मंगाई नहीं थी, हमने चूज किया था। अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया। जी हाँ, हमने शुरुआत कहाँ से की, खिचू, गुजराती में खिचू कहवाय, चोखाना लोटनू बने, अने मां तेल, लाल मरचू, हाँ तेल लाल मरचू नाखी ने एने खावानू। तो हमने पहले खाया खिचू, फिर इनका आया मसाला डोसा खाया। नहीं, यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मैं बहुत सिंपल ईटर हूँ, लेस ईटर हूँ। खिचू मंगाया, वही मेरा आधा पेट तो भर गया था। उसके बाद में मसाला डोसा देख के थोड़ा डर गई, किसी ने मेरे साथ में शेयर नहीं किया बोले हम गुजराती खाना खाने आए हैं, हम नहीं ये खा सकते। उसके बाद में खिचड़ी मंगवाई, किसी ने शेयर नहीं किया मुझसे, जितना खाया गया मैंने खाया है, आई एम डन नाउ। और मैं अभी फ्रेश लाइम फिर हूँ ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ, दैट्स ऑल। और मैंने मंगाया दाल ढोकली, बाकी सबके लिए भी रखी है, मैंने अपने हिस्से की खा ली है, अब बाकी सब फिनिश करेंगे। समझ में आ गया ना, एकदम तड़का, एकदम तम टेढ़ा मेढ़ा तीखा, मतलब कुछ अगर चीज पानी पूरी की जो तीखी चटनी होती है ना, तीखा पानी, वैसा ये मेरा फ्लेवर है। कि अगर कुछ सीधा चल रहा है तो
वहाँ कहीं ना कहीं रोक लानी है और ड्रामा क्रिएट करना है। मैं तो इन्हें समझती हूँ, मुझे हाँ मैं उनको समझती हूँ, मगर वैसे खाने में मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, जब वो होता है तो चलो मैं थोड़ा सपोर्ट कर लेती हूँ, मगर खाली मैं उन्हें आग दिखाती हूँ चुप हो जाती हूँ, क्योंकि इतना रिस्पेक्ट देती हैं, मगर मुझे मालूम है ये क्या है कैसी है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, तो अगर हमारी स्टाइल अलग है, वो चिल्लाती है और मैं चुपचाप रहती हूँ क्योंकि मैं बॉस हूँ ना इसलिए। बट मुझे हैरानी है कि आपकी आग दिखाने पे वो चुप है। हाँ क्योंकि मैं बॉस हूँ, घर की मालकिन हूँ, जो उसकी भाभी हूँ, ये ननंद है, मैं भाभी का ननंद का रिस्पेक्ट करती हूँ और वैसे ये भाभी का करती है, मगर पीछे से धक्का भी देती है, चाहती है कि मैं गिर जाऊँ, मगर मैं गिर नहीं रही, मैं चट्टान की तरह हूँ, मैं गिरती नहीं क्योंकि उसको मेरी चाबी चाहिए, असली बात ये है उसके घर की चाबी जो मेरे ही है। हाँ ताकि यस वो तो मुझे चाहिए और वो मैं लेकर ही आऊंगी, कब्जा लेना है, आगे पता चल जाएगा कि चाबी छाया के पास है, इंतजार रहेगा, देखते हैं देखते हैं। यस सी यू ऑन फ्रॉम 29th July यूनाइटेड स्टेट ऑफ हम लोग अभी फिलहाल तो छुट्टी पे ही आई है, यहाँ काम कर रहे हैं, ऑडियंस को नहीं मिलेगी, हमारे साथ रहना, हाँ एकदम मंडे टू संडे तड़का जारी रहेगा, कहीं नहीं जाने देंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.